जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर वैकेंसी निकली हैं और इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं जो कि एक्सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो कि एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक्सर्विसमैन को एज में किस प्रकार से छूट मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और इसका जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो BIS है यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, यह एक इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है और यह रेस्पॉन्सिबल है जितनी भी हमारी ज्वेलरी होती है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी, उसकी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग है या फिर उसका जो सिस्टम सर्टिफिकेशन है या उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है, इन सब के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट है। अभी हम देख लेते हैं डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 है। इसके जो एडमिट कार्ड हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के, वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले इशू किए जाएंगे और इसका जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, वो आपका लगभग नवंबर में होगा। तो यानी कि आप अभी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो वैसे तो इसमें काफ़ी पोस्टें हैं, ग्रुप ए में भी पोस्टें हैं, बी की भी पोस्टें हैं और सी की भी पोस्टें हैं, बट अगर बात करें रिजर्वेशन की तो एक्सर्विसमैन के लिए जो पोस्ट है ग्रुप सी में रिजर्व है। हालांकि एक्सर्विसमैन ग्रुप ए और बी की पोस्ट में देख सकता है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, बट उसका जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट में है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं जिनमें कि एक्सर्विसमैन का रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो पोस्ट है ग्रुप सी की, वो स्टेनोग्राफर की है जो कि लेवल 4 में आती है। इसका जो बेसिक है 25,500 से 81,100 है। बात करें ग्रॉस सैलरी की तो लगभग 60,000 के करीब इसकी ग्रॉस सैलरी रहेगी, इनिशियल सैलरी, और यहाँ पर एक्सर्विसमैन की एक वैकेंसी है। लेकिन आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफी में आपको जो स्टेनोग्राफर होना चाहिए, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। दूसरा है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 में ही ये भी लेवल 4 में ही आती है। इसका भी जो बेसिक है 25,500 से 81,100 है, ग्रॉस सैलरी 60,000 के आसपास पड़ेगी इनिशियल, और इसमें यहाँ पर एक्सर्विसमैन के लिए 12 वैकेंसी रिजर्व हैं। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसको कि LDC भी बोल सकते हैं या क्लर्क भी बोल सकते हैं, इसका जो बेसिक है वो बेसिक लेवल 2 में आता है और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 19,900 से 63,200 रहेगी। बात करें ग्रॉस सैलरी की तो लगभग 45 से लेकर के 50,000 इनिशियल इन हैंड सैलरी आप मान सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर एक्सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व हैं। इसके बाद एक वैकेंसी है सीनियर टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर एक्सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी रिजर्व है। तो यहाँ पर ये भी लेवल 4 में आती है, 25,500 से 81,100, और ये भी जो भी ट्रेड हैं जिनका आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से ट्रेड है जिनमें सीनियर टेक्नीशियन के पद के ऊपर जो एक्सर्विसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो स्टेनोग्राफर है उनको, जैसे कि आप जानते हैं, स्टेनोग्राफी होना चाहिए उनका और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद उनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जो भी स्टेनोग्राफी उन्होंने सीख रखी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें उनको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन उसको पूछे जाएंगे। बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा और साथ में उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें उनको 35 पर मिनट अगर वो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आनी चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो कम से कम उनकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और बाद में इनका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा। दोस्तों, अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर मांगी गई है। जो लोग भी बैचलर हैं और जिन्होंने स्टेनोग्राफी सीख रखी हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर इनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो इनका स्टेनोग्राफी इन्होंने सीखा उसका टेस्ट होगा। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी बैचलर मांगा गया है, साथ में आपकी कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर मांगा गया है, यानी कि तीनों ही पोस्ट के अंदर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसमें भी आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। हालाँकि आपको अलग से कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपके पास जो कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको चलाना आना चाहिए। इसके बाद बात करें सीनियर टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक मांगा है, जो लोग 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर या तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कौन कौन से ट्रेड हैं देख लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर,
वायरमैन, वेल्डर, तो ये सारे ट्रेड हैं। इनमें अगर आपने फौज ने अगर आपको इसका कोई सर्टिफिकेट दिया है या आपने ऐसा कोई काम किया है सेना के अंदर, कोई ट्रेड वर्क किया है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें फीस की, तो एक्सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, वो सारी जो सी ग्रुप की पोस्ट है उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो एग्जाम के अंदर आपके मेनली चार सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के 50-50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50-50 मार्क्स के ही होंगे। इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट जो दो बचे हैं, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इनके आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25-25 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे, और इनको पूरा करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। दोस्तों एग्जाम सेंटर लगभग पूरे इंडिया में ही हैं, टोटल 49 एग्जाम सेंटर हैं, तो आपको आपके स्टेट के आसपास या आपकी सिटी के आसपास आराम से इसमें एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको BIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है BIS.gov.in, उस पर जाना है, और ऑनलाइन लिंक स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो आप यहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2024 से पहले पहले। दोस्तों बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो इसके जो BIS का ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो और काफ़ी रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है, रेपूटेटेड डिपार्टमेंट है, और इसमें आप आराम से आपको अच्छा समय मिलेगा अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए, प्लस आपको पूरी पूरी पॉसिबिलिटी कि आपको अपने घर के पास भी पोस्टिंग इसमें मिल सकती है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों के लिए, और साथ ही अगर कोई 10th पास है और जिनका ट्रेड इसमें जो दिए गए हैं उनसे संबंधित है, तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।